थानामात कुआं पुलिस ने 2 किलो गांजा बरामद कर 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गांजा तस्करी में प्रयुक्त वाहन अर्टिगा कार भी जब्त। दिनांक 14 जनवरी 2024 को देहात भ्रमण के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि ईसा नगर रोड पर 2 युवक अर्टिगा कार से गांजा बेचने की फिराक में जा रहे हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश एवं मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा ईसा नगर टमाटर गोदाम के पास वाहन चेकिंग लगाई गई थी। कार चालक वाहन चेकिंग को देखते ही सफेद कलर की अर्टिगा कार मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। सफेद रंग की अर्टिगा कार को घेराबंदी कर रोककर तलाशी ली गई। वाहन अर्टिगा कार क्रमांक P80CH2528 के चालक की सीट के नीचे एक सफेद कलर की बोरी रखी गई थी, जिसे समक्ष गवाहन खोलकर चेक किया गया। चेकिंग में अवैध मादक पदार्थ गांजा तौल पर मात्रा 1,990 ग्राम, कीमती 99,000 रूपए समक्ष गवाहन जब्त किया गया। दोनों आरोपियों वाहन चालक एवं साथ बैठे व्यक्ति को नोटिस देकर 2 किलो गांजा एवं तस्करी के प्रयुक्त 4 पहिया वाहन अर्टिका UP80CH2528 जब्त कर अभिरक्षा में लिया गया है। NDPS एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर दोनों अभियुक्त आरोपी उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्रमांक 4 नौगांव एवं आरोपी उम्र 22 साल निवासी हल्लू कॉलोनी नौगांव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया। सहायक उप निरीक्षक मनमोहन सिंह मार्को R1294 कुलदीप, आरक्षक 800 पंकज यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।